हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आज मैं आपको लिप्स की डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है उन्हें आज मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले 0.5 के मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसी पेंसिल का इस्तेमाल करके एक बार शेड भी करूँगा। पहले आप देख सकते हो, मैंने हल्के हल्के आउटलाइन पहले ड्रॉ कर रखी है, तो मैं सीधा इसे शेड कर रहा हूँ। आपको पेशेंस रखना पड़ता है और आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है। तो मैं इससे लाइटली स्ट्रोक लगाऊँगा। आप देख सकते हो, आपको ऐसे ही धीरे धीरे स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से इसी मेथड का इस्तेमाल करके धीरे धीरे आउटलाइन ड्रॉ करूँगा और लाइटली शेड भी करूँगा। आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ता है और आपको भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको शायद पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपको शेडिंग कैसे करनी है। आपको धीरे धीरे आपको शेड करना पड़ता है, काफ़ी स्लोली आपको पेशेंस रखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हो, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो गाइस, मैं निचले होंठ को भी इसी तरह से शेड करूँगा। आप चाहो तो आप भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके शेड कर सकते हो। मैं लाइट एरियाज के लिए जगह छोड़ूंगा इसमें, और मैं ब्लेंड करने के लिए सिंपल ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार और शेडिंग करूँगा। आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी पड़ती है। मैं हाईलाइट करने के लिए टॉम जीरो इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, HB पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ मेथड है जिनका आप इस्तेमाल करके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। आपको सिंपली मतलब एक के बाद एक लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी पड़ती है, और आपको फिर एक्सचेंज करना पड़ता है, मतलब जैसे HB पेंसिल फिर 2B 3B 4B ऐसे आपको लाइट से डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस, लगभग मेरा पहला जो लिप्स है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप लिप्स ड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक शेप ये थी जिसमें आपने देखा कि होठों के दांतों तले जीभ दबा रखी है इसमें, तो दूसरा है जिसे होठ दबा रखा है, तो आप मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैं लिप्स में ऊपर से नीचे की साइड स्ट्रोक लगा के इसे शेड कर रहा हूँ। मैं इस बार पहले ही डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने कार्ट्रेज पेपर का इस्तेमाल करा है। आप चाहो तो आप कोई भी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। कार्ट्रेज पेपर थोड़ा रफ होता है, इस पर अच्छे से शेड हो जाता है। तो आप भी इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। मैं डार्क एरियाज के लिए 8B और 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी पेंसिल ले सकते हो, डार्क पेंसिल 10B भी ले सकते हो, 8B ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लगभग मेरी दूसरी शेप भी कंप्लीट हो गई है, तो मैं सिंपल लिप्स जो होते हैं हमारे वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो हमारे सिंपल लिप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कुछ सिंपल से मेथड है जिनका इस्तेमाल करके आप शेड कर सकते हो। मैं वही लेयर वाले शेडिंग करूँगा। अगर आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आपको इसके लिए लेयर बाय लेयर ही शेडिंग करनी पड़ती है। बाकी आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो फ्रेंड्स,
मेरी वीडियो लगभग कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक डू प्रैक्टिस, डू सब्सक्राइब।